अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिक्स वेजिटेबल्स की सब्ज़ी जो कि गज़ाइत से भरपूर है और बनाना भी इंतहाई आसान है और खाने में भी इंतहाई लजीज लगती है। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे देगची में एक कप ऑयल। ऑयल में ऐड कर देंगे एक अदद प्याज दरमियाने साइज़ का फाइन चॉप किया हुआ। 2 से 3 मिनट के लिए प्याज की करेंगे भुनाई और फिर इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और फिर ऐड कर देंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर, छिलका आप ज़रूर उतार लिया करें। और फिर इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और करेंगे फ्राई दोबारा से प्याज़ों सॉरी टमाटरों का पानी ड्राई होने तक, जब तक के टमाटर गल नहीं जाते। फिर हम इसमें करेंगे ऐड थोड़ा सा पानी और पानी के साथ ही ऐड कर देंगे स्पाइसेस। पानी इसलिए ऐड किया है ताकि जो हम स्पाइसेस ऐड करेंगे वो जले नहीं, और फिर अच्छी तरह से मसाले की भुनाई करेंगे। पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब हम इसमें 1 बाय 1 वेजिटेबल्स ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे मेथी। मेथी को आपने इस तरह से बारीक काट लेना है, अच्छी तरह से पानी से धो लेना है ताकि अगर कोई मिट्टी वगैरह साथ है तो वो उतर जाए। और फिर हम करेंगे मेथी की भुनाई। टू से थ्री मिनट्स के लिए आपने मेथी की भुनाई करनी है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली गाजरें। गाजरों की भुनाई के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 प्याली मटर। एंड एट द एंड हम इसमें ऐड कर देंगे 1 दरमियाने साइज़ का आलू, इस तरह से छोटे पीसेस में कटा हुआ, और 2 से 3 मिनट के लिए इन सब की दोबारा से भुनाई करेंगे। और फिर हम ऐड कर देंगे इसमें 1 कप पानी। और लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं और पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला है। अब इस स्टेज पे हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे और दोबारा से भुनाई करेंगे ताकि जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और जी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम करेंगे डिश आउट और साथ साथ ही बना लेंगे हम चपातियाँ। तो मज़ेदार मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी तैयार है, साथ में हो गरम गरम रोटी, साथ में आप पुदीने और हरे धनिए की चटनी बनाएं और मज़े से खाएं।
अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट रेसिपी।